दिस ड्रामा इज प्री ऑर्डेंड, इट इज एन इटर्नल ड्रामा. हर एक ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजाती. ईच वन प्लेज देयर ओन पार्ट इन द ड्रामा. कोई एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर जा करके लेते. समवन लीव्स देयर बॉडी एंड टेक्स अनदर बॉडी. इसमें रोने की तो बात ही नहीं. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्राइंग इन दिस एट ऑल. सचमुच में कभी रोते नहीं है. नेवर डज एनीबॉडी क्राई इन द गोल्डन एज. क्या कहा? व्हाट वाज सेड? सचमुच में रोते नहीं. रोते कहाँ हैं? वी डोंट क्राई इन द गोल्डन एज. Where do we cry? जहाँ अकाली मृत्यु होती है. Where there is untimely death. वो तो स्थूल अकाली मृत्यु होती है. That is the physical untimely death. और यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया. And what about here in the confluence age world of Brahmins? अबे अभी बड़े अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं. A moment ago, they are following the knowledge very nicely. और अभी अभी देखा तो अनिश्चय बुद्धि हो गई. And if we see the next moment, they have a doubtful intellect. तो मर गए या जिंदा है? मर गए या जिंदा? So are they dead or are they alive? जिंदा है कि मरे हुए? मरे हुए हैं. Are they alive or are they dead? They are dead. बाप बच्चे पैदा करता है तो बाप कहा जाता है. A father is termed a father when he gives birth to children. फरुखाबाद के मालिक को बहुत मानते हैं. The people of Farukabad, a place in Uttar Pradesh, believe a lot in the master. मालिक को मालिक ही कहेंगे. A master will simply be called a master. बाप को बाप ही कहेंगे. A father will simply be called a father. बच्चे जो बच्चे ही कहेंगे. Children will simply be called children. बच्चे जब बड़े होते हैं. When the children grow up. तो मालिक बनते हैं. They become masters. फिर बच्चे पैदा करते हैं. Then they give birth to children. तो यहाँ भी बेहद की बात है. So here too, it is in the unlimited sense. क्या? What? जो बाप का पार्टधारी है. द वन हु प्लेज द रोल ऑफ द फादर. प्रजापिता है. द वन हु इज प्रजापिता. वो भी आखिरी जन्म में आके कंगाल बनता है. ही टू बिकम्स पुअर आफ्टर कमिंग इन हिज लास्ट बर्थ. कंगाल बनता है तो बाप प्रवेश करते हैं. व्हेन ही बिकम्स पुअर द फादर एंटर्स हिम. प्रवेश करते हैं, फाइव ईयर प्लान देते हैं. व्हेन ही एंटर्स ही गिव्स द फाइव ईयर प्लान. फाइव ईयर प्लान में थ्रू द फाइव ईयर प्लान वो बेगर टू क्या बन जाता है. What does he, that is Prajapita, become from a beggar? Prince ban jata. He becomes a prince from a beggar. 77-78 se lekar 82 tak. Since 77-78 till the year 82. वो प्लान पूरा होता है. That plan is completed. और उसको कहीं भी फिर जा करके दरवाजे दरवाजे भीख मांगने की दरकार नहीं रहे. Then there is no need for him to go begging around somewhere from door to door anymore. फिर लोग खुद ही अपने आप उसके दरवाजे पर आते. Then the people themselves come to his door. तो प्रिंस हुआ. So did he become a prince? ये बेगर हुआ. Or a beggar? प्रिंस हो गया. He became a prince. प्रिंस को कोई मांगने की दरकार पड़ती है क्या? Is there any need for a prince to ask for anything? नहीं. No. तो वो रूप जो हुआ वो ही त्रेता युग की शूटिंग. सो दैट फॉर्म वॉज द शूटिंग ऑफ द सिल्वर एज. कौन सी? विच वन? 81 से लेकर के 87-88 तक वो त्रेता युग की शूटिंग हुई. इट वॉज द सिल्वर एज शूटिंग सिंस 81 टिल 87-88. और उसमें जो भी आए एंड हूएवर केम इन दैट That is shooting period. दक्षिण भारत के आए सब. All of them came from South India. विदेशी आए, स्वदेशी आए. Did the foreigners come or did the natives, that is Swadeshi, come? कौन आए? Who came? चलो वहाँ भी आए. All right. Even if they came there. जो भी सहयोगी बने वो कौन बने? Whoever became cooperative. Who became cooperative? विदेशी बने. हमारे विदेशियों ने बाप को पट्टा चिढ़िया. The foreigners became cooperative. This means that the foreigners revealed the father. उसके बाद? After that, 89-90 का जो पीरियड है. In the period of 89-90, उसमें द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत हुई. The shooting of the copper age began. उस द्वापर युग की शूटिंग में. In that shooting of the copper age, दादा लेखराज जो ब्रह्मा बनता है उसके 100 साल पूरे हो जाते. The 100 years of दादा लेखराज who becomes Brahma are completed. सन 47 में 60 साल पूरे होते. इन द ईयर 1947 60 ईयर्स आर कम्प्लीटेड. और 87-88 में 100 साल पूरे. एंड इन द ईयर 87-88 100 ईयर्स आर कम्प्लीटेड. तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है. सो ब्रह्मा फिनिशेस ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ डेथ, दैट इज मृत्युलोक. कब खलास होता है? व्हेन डज ही फिनिश ऑफ?
सौ साल का होगा तो ब्रह्मा खलास होगा। ब्रह्मा विल फिनिश व्हेन ही कंप्लीट्स हिज 100 इयर्स। तो मृत्युलोक में खलास होगा। सो विल ही फिनिश ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ डेथ, या अमर लोक में खलास होगा? और विल ही फिनिश ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ द इमॉर्टल वंस, अमर लोक? मृत्युलोक में खलास होगा। ही फिनिशेस ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ डेथ। तो वो सात्विक स्टेज थी ब्रह्मा की। सो दैट वॉज द ट्रू, दैट इज सात्विक स्टेज ऑफ ब्रह्मा। कब? व्हेन? इन द ईयर 87। वो सात्विक ऐसी स्टेज थी नष्टो मोहा। That was a true stage of Nashto Moha Smriti Labdha. The one who has conquered attachment and regained the awareness of the self and the father. एक साल पूरा माउंट आबू में नहीं गए। He did not go to Mount Abu for one complete year. कौन? Who? Brahma Baba. हर एक आत्मा जब ज्ञान में आती है शुरू शुरुआत में सतो प्रधान। Every soul is सतो प्रधान, consisting mainly in the quality of goodness and purity initially when it comes to the knowledge. फिर बाद में सतो सामान्य। Later on it becomes सतो सामान्य when there is ordinary goodness and purity. फिर रजो। Then it becomes रजो, that is dominated by the quality of activity or passion. फिर तमो। And then तमो, that is dominated by darkness or ignorance. ब्रह्मा की सोल भी ऐसे ही होता है। The same happens with the soul of Brahma as well. एक साल तो बिल्कुल नहीं गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाना फिर शुरू कर दी। He did not go at all to Mount Abu for one year. Then after that he started going there again gradually. और अभी तक भी जा ही रहे हैं, अभी उनका मोह नष्ट नहीं हुआ। And he is still going there till today. His attachment has not broken now. तो ब्रह्मा की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है या पढ़ाने वाली है? पढ़ रही है। सो इज ब्रह्मा सोल स्टडिंग द नॉलेज इवन नाउ और इज ही द वन हु टीचेस? अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। ही इज स्टिल स्टडिंग द नॉलेज। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर। द सोल लीव्स वन बॉडी गोज एंड टेक्स अनदर बॉडी। क्या? व्हाट? शंकर का पार्ट पूरा होता है तो क्या होगा फिर? What will happen after Shankar's part is over? Somebody said Vishnu's part will begin. No. शंकर का पार्ट जब पूरा होता है। When Shankar's part is completed. दूसरी मूर्ति का पार्ट पूरा होता है। When the role of the second मूर्ति is completed. तो ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा की आत्मा किसका आधार लेती है विशेष रूप से? Then whose support does the soul of Brahma take especially? जगदम्बा। इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ जगदम्बा। क्या? व्हाट? आखिर ब्रह्मा को राजधानी स्थापन करनी है, ब्रह्मा द्वारा होनी है। आफ्टर ऑल ब्रह्मा हैज टू एस्टेब्लिश द कैपिटल, इट हैज टू बी डन थ्रू ब्रह्मा। तो प्लान कुछ तो बनाया जाएगा। सो सम प्लान विल सर्टेनली बी मेड। क्या प्लान बनेगा? व्हाट प्लान विल बी मेड? प्लान तो बनेगा। अ प्लान विल सर्टेनली बी मेड। जो राजधानी तैयार होगी उसमें ढेर के ढेर होंगे या थोड़े होंगे? विल देयर बी मेनी और विल देयर बी फ्यू पीपल इन द कैपिटल दैट विल बी मेड? स्टूडेंट्स देयर विल बी फ्यू। तो ऐसा प्लान तैयार होता है। सो सच अ प्लान इज मेड। क्या? व्हाट? जगदम्बा को महाकाली का रूप धारण करना। जगदम्बा विल हैव टू टेक द फॉर्म ऑफ महाकाली, अ गॉडेस। जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब उसकी सफाई कर देंगे, होना जरूरी है, झाड़ू लगे। द क्लीनिंग अप ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स इज नेसेसरी। झाड़ू लगे और झाड़ू लगने के बाद फिर लक्ष्मी प्रवेश करे। दे शुड बी स्वेप्ट ऑफ, द स्वीपिंग शुड बी डन एंड देन लक्ष्मी विल एंटर आफ्टर द स्वीपिंग इज कम्प्लीटेड। तो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती, इसमें रोने की बात नहीं है। सो द सोल लीव्स वन बॉडी एंड टेक्स अनदर, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्राइंग इन दिस। क्या? वॉट? अरे क्यों अनिश्चय हो गया? अरे वाई डिड ही डेवलप डाउट? क्यों मर गया? वाई डिड ही डाई? आज निश्चय है, कल अनिश्चय हो गया। इफ ही हैज फेथ टूडे एंड टुमारो ही डेवलप्स डाउट, तो इसमें रोने की कोई बात नहीं। देन देर इज नो नीड टू क्राई अबाउट दिस। आज तक फॉलो करता था, टिल टूडे ही वॉज फॉलोइंग द नॉलेज, अब फॉलो नहीं करता है। नाउ ही डज नॉट फॉलो इट। आज बाप को मानता था, टुडे ही एक्सेप्ट्स द फादर, कल बाप को नहीं मानता है। एंड टुमारो ही डज नॉट एक्सेप्ट द फादर, तो इसमें रोने की बात है? नहीं।
नहीं है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्राइंग इन दिस. ड्रामा बना हुआ है. द ड्रामा हैज बीन मेड. जितना अभी तुम मोहजीत बन रहे हो. द मोर यू आर बिकमिंग विक्टोरियस ओवर अटैचमेंट दैट इज मोहजीत नाउ. मोहजीत राजा हैं. ये लक्ष्मी नारायण होते हैं. दीज लक्ष्मी एंड नारायण आर किंग्स हु आर मोहजीत. और कोई नहीं होते हैं. नो वन एल्स इज मोहजीत. तो सबसे ज्यादा मोहजीत कौन हुआ. सो हु इज द मोस्ट मोहजीत. स्टूडेंट्स लक्ष्मी एंड नारायण. लक्ष्मी भी नहीं नारायण. नॉट इवन लक्ष्मी. इट इज नारायण. कौन से राजा की कथा गाई हुई है मोहजीत. द स्टोरी ऑफ विच किंग इज प्रेस्ड फॉर बीइंग मोहजीत. स्टूडेंट्स ऑफ द ट्रू नारायण. नो. राजा हरिश्चंद्र. किंग हरिश्चंद्र. कहते सत्युग में राज्य करता था राजा हरिश्चंद्र. इट इज सेड दैट किंग हरिश्चंद्र यूज्ड टू रूल इन द गोल्डन एज. और सत्युग की बात नहीं है. इट इज नॉट अबाउट द गोल्डन एज. यहाँ की बात है. इट इज अबाउट हियर. मोहजीत राजा है. ये लक्ष्मी नारायण आदि है. दीज लक्ष्मी नारायण एक्सेट्रा आर द मोहजीत किंग्स. वहाँ तो मोह होता ही नहीं. देयर इज नो अटैचमेंट ओवर देयर एट ऑल. कहाँ. वेयर. सत्युग में तो मोह की बात नहीं. देयर इज सर्टेनली नो क्वेश्चन ऑफ अटैचमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ द गोल्डन एज. बात कहाँ की है. देन इट इज अबाउट वेन. संगम की बात है. इट इज अबाउट द कॉन्फ्लुएंस एज. आप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते. द फादर कीप्स एक्सप्लेनिंग मेनी सॉर्ट्स ऑफ टॉपिक्स. साधु लोग इन बातों को नहीं समझा सकते. द सेजेस कैनॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स. क्या. वॉट. चाहे कोई साधु ज्ञान में भले आ जाए. इट डजेंट मैटर इफ सम सेज कम्स इन द नॉलेज. सारी मुरलियाँ पढ़ ले. ही मे रीड ऑल द मुरलीज. लेकिन वो इन बातों को समझा नहीं सकेगा. बट ही वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स. वो तो कहते हैं भगवान निराकार नाम रूप से न्यारा है. दे से गॉड इज इनकॉर्पोरियल. ही इज बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म. अरे नाम रूप से न्यारी कोई चीज दुनिया में होती है क्या. अरे इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म इन द वर्ल्ड. हे भगवान. ओ गॉड फादर. ओ गॉड. ओ गॉड द फादर. ये तो कहते हैं ना. दे स्पीक लाइक दिस डोंट दे. तो नाम रूप हुआ है तभी तो पुकारते हैं. सो ही सर्टेनली हैज सम नेम एंड फॉर्म. ओनली देन डू दे कॉल हिम. लिंग को शिव बाबा कहते हैं. दे कॉल अ लिंग शिव बाबा. क्यों. वाई. लिंग को शिव बाबा क्यों कहते हैं. वाई डू दे कॉल अ लिंग शिव बाबा. अब कान को कह दे नाक को कह दे. दे कैन कॉल द ईयर्स. दे कैन कॉल द नोज शिव बाबा. लिंग को शिव बाबा क्यों कहते हैं. वाई डू दे कॉल द लिंग शिव बाबा. लिंग माना निशान. लिंग मीन्स अ सिंबल. कौन सा निशान. विच सिंबल. जिसमें शिव प्रवेश करता है. द वन इन होम शिव एंटर्स. प्रवेश करता है और ऐसा स्टेज बनाता है. ही एंटर्स एंड मेक्स हिज स्टेज सच दैट कि आंखों से देखते हुए भी इस दुनिया को देखता नहीं. इवन वाइल सीइंग थ्रू दीज आईज ही डज नॉट सी दिस वर्ल्ड. कानों से सुनते हुए भी अनेक प्रकार की ग्लानी की बातें सुनते हुए भी उन बातों को सुनता नहीं. इवन वाइल लिसनिंग टू मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑफ डिफेमेशन थ्रू हिज ईयर्स ही डज नॉट हियर दोज वर्ड्स. नहीं तो क्या होता है. अदरवाइज व्हाट हैपेंस. आदमी के सामने थोड़ी सी उसकी बुराई कर दो. स्पीक इल अबाउट समवन ऑन हिज फेस. भड़क पड़ेगा. एंड ही विल बिकम एंग्री. लड़ाई लड़ने लग पड़ेगा. ही विल स्टार्ट फाइटिंग. लेकिन बाप का पार्ट ऐसा ऐसा. बट द फादर्स पार्ट इज सच हाउ. सुनते हुए न सुनना. ही डज नॉट हियर वाइल हियरिंग. देखते हुए न देखना. ही डज नॉट सी वाइल सीइंग. और बोलता भी है. एंड इवन व्हेन ही स्पीक्स तो कभी कभी ऐसे बोलता है बोलते हुए जैसे नहीं बोला. समटाइम्स He speaks in such a way as though he did not speak even on speaking. ये कैसे होगा. How can this happen? अरे जो बोल दिया. अरे when he spoke something. वो तो बोल दिया ना. बोलते हुए नहीं बोला ये कैसे. He has spoken it, hasn't he? How is it that he didn't speak even on speaking? Someone said the intention. हाँ भाव की बात. Yes, it is about the intention. भाव प्रधान विश्व रचिराता. भाव प्रधान विश्व रचिराखा. दैट इज योर वर्ल्ड इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशंस विथ विच यू परफॉर्म डीड्स. कोई बात बोली जाती है ना. समथिंग इज स्पोकन इजंट इट. जिस भाव से बोली जाती है. द इंटेंशन विद विच समथिंग इज स्पोकन. तो उसका असर. इट हैज दैट इफेक्ट. अगर बोले हुए में भाव मिक्स नहीं है. इफ देयर इज नो इंटेंशन मिक्स्ड इन द वर्ड्स स्पोकन. भाव कुछ दूसरा है. इफ द इंटेंशन इज समथिंग एल्स. तो उसका बोलने का जो रिजल्ट होगा वो भी दूसरा. देन द रिजल्ट ऑफ व्हाटएवर वाज स्पोकन विल आल्सो बी समथिंग एल्स. बाप है
माँ है. फॉर एग्जाम्पल अ फादर अ मदर बच्चे को गाली देने लग पड़ती है. शी स्टार्ट्स अब्यूजिंग हर चाइल्ड तो उसका भाव वो उस बच्चे को गाली दे करके सत्यानाश अब तेरा सत्यानाश हो जाए. देन इज हर इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द चाइल्ड बाय अब्यूजिंग हिम. इफ शी सेज मे यू बी डिस्ट्रॉयड तो उसका भाव ये है कि उसका सत्यानाश हो जाए. सो डज शी हैव द इंटेंशन दैट द चाइल्ड शुड बी डिस्ट्रॉयड उसको सुधारने के लिए गाली देती है. शी अब्यूसेस हिम टू रिफॉर्म हिम तो अंदर से भाव दूसरा है भले मुख से कुवचन बोले. सो द इंटेंशन फ्रॉम इनसाइड इज समथिंग एल्स इवन दो शी स्पीक्स इल वर्ड्स थ्रू हर माउथ. तो कुवचन जो बोले हैं वो कुवचन भाव न होने की वजह से कुवचन नहीं होता. सो द इल वर्ड्स दैट शी स्पोक आर नॉट इल वर्ड्स बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दैट इंटेंशन. ऐसे ही बाप भी युक्ति बनाते. इन द सेम वे द फादर टू अडॉप्ट्स अ मेथड बच्चों को सुधारने टू रिफॉर्म द चिल्ड्रेन. बाप का तो नाम ही शिव है. द वेरी नेम ऑफ द फादर इज शिव. व्हाट क्या नाम है शिव. व्हाट इज हिज नेम शिव. जो बोलेगा सो कल्याणकारी. व्हाट एवर ही स्पीक्स विल बी बेनिफिशियल दैट इज कल्याणकारी. जो देखेगा सो कल्याण. व्हाट एवर ही सीज will be beneficial. जो करेगा कल्याण. Whatever he does will be beneficial. तो जिस तन में वो शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं. So the body in which the शिव सुप्रीम सोल enters. वो देखते हुए न देखना सुनते हुए न सुनना. He does not see while seeing. He does not hear while hearing. जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियां न होने के बराबर. It is equal to not having organs even on having them. अगर मनुष्य के शरीर में से इंद्रियां हटा दी जाए. इफ द ऑर्गन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मैंस बॉडी क्या नाक कान अलग कर दिए जाए हाथ अलग कर दिए जाए टांग अलग कर दी जाए. व्हाट इफ द नोज आईज ईयर्स आर डिटैच्ड इफ द हैंड्स आर रिमूव्ड इफ द लेग्स आर रिमूव्ड क्या रह जाएगा. देन व्हाट विल रिमेन कुछ भी नहीं. समवन सेड नथिंग कुछ भी कैसे नहीं रह जाएगा. हाउ विल नथिंग रिमेन लिंग रह जाएगा ना. द लिंग विल रिमेन वॉन्ट इट धड़ रह जाएगा ना लिंग रह जाएगा ना. द ट्रंक विल रिमेन वॉन्ट इट द लिंग विल रिमेन वॉन्ट इट. तो वो लिंग की पूजा होती है. सो दैट लिंग इज वर्शिप्ड किस लिंग की. विच लिंग जिसको जैसे हाथ पाँव नाक कान द वन दैट इज लाइक द वन हु डज नॉट हैव एनी हैंड्स लेग्स नोज आईज एंड ईयर्स एट ऑल. तो लिंग को शिव बाबा भी कहते हैं. सो द लिंग इज ऑल्सो कॉल्ड शिव बाबा. अरे बाबा तो है ना. अरे ही इज बाबा इजंट ही. कौन हु कौन है बाबा. हु इज बाबा लिंग द लिंग जो साकार है वो क्या है. व्हाट इज द कॉर्पोरियल वन. वो सारा ही शरीर जैसे लिंग है. द एंटायर बॉडी इज जस्ट लाइक अ लिंग हाथ पाँव नाक कान होते हुए भी इंस्पाइट ऑफ हैविंग हैंड्स लेग्स नोज आईज ईयर्स इंद्रियां जैसे होते हुए भी इंस्पाइट ऑफ हैविंग द ऑर्गन्स इंद्रियां जो उनका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता. द रिजल्ट दैट मस्ट कम आउट ऑफ इट द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गन्स डजंट कम. नहीं तो ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाए. अदरवाइज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन विल बी बॉर्न हो जाएंगे ना. दे विल बी बॉर्न वोंट दे लेकिन नहीं होते. बट दे आर नॉट बॉर्न नहीं होते इसका मतलब. व्हाट डज इट मीन इफ दे आरंट बॉर्न. शास्त्रों में शंकर को क्या दिखा दिया गया. व्हाट हैज शंकर बीन शोन एज इन द स्क्रिप्चर्स. अमोघ वीर्य दिखाया. ही इज शोन एज द वन हुज विगर नेवर ड्रेन्स डाउनवर्ड्स दैट इज अमोघ वीर्य. अमोघ वीर्य दिखाने का मतलब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शोइंग हिम एज अमोघ वीर्य. इंद्रियां होते हुए भी जैसे न होने के बराबर. इट मीन्स In spite of having the organs, it is equal to not having them. जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता. The result that should come out does not come out. तो जैसे कि इंद्रियां है नहीं है बराबर. So whether the organs are there or not, it is one and the same. तो सारा शरीर क्या हो गया. So what did the whole body become? लिंग. It became a लिंग. तो लिंग को शिव बाबा भी कहते हैं. सो द लिंग इज ऑल्सो कॉल्ड शिव बाबा. बाबा तो है ना बरोबर है ना. इट इज इंडीड बाबा इजंट इट. इट इज राइट इजंट इट. बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे. सर्टेनली बाबा विल बी हैविंग चिल्ड्रन एज वेल. लेकिन वो बच्चे जैसे दुनिया में लिंग की औलाद होते हैं. बट विल दोस चिल्ड्रन बी लाइक द प्रोजेनी बॉर्न थ्रू द लिंग इन द वर्ल्ड. वैसे होंगे
या ज्ञान के बच्चे होंगे और विल दे बी द चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू द नॉलेज ज्ञान के बच्चे होंगे दे विल बी द प्रोजेनी बॉर्न थ्रू द नॉलेज निराकार आत्मा ही बाबा कहती है इट इज ओनली द इनकॉर्पोरियल सोल हु सेज बाबा निराकार को बाबा कहती है इट सेज बाबा टू द इनकॉर्पोरियल वन मंदिर में जावेंगे इफ ही एंटर्स द टेम्पल दैट इज बॉडी तो उनको कहेंगे शिव बाबा दे विल कॉल हिम शिव बाबा क्या वॉट नो मंदिर में जावेंगे इफ ही एंटर्स द टेम्पल दैट इज बॉडी मंदिर में जावेंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा इफ ही एंटर्स द टेम्पल देन दे विल कॉल हिम शिव बाबा और मंदिर में नहीं जावेंगे एंड इफ ही डजंट एंटर द टेम्पल तो शिव निराकार शिव इज इनकॉर्पोरियल फिर घर में आकर के बाप को भी कहते हैं बाबा देन आफ्टर कमिंग होम दे ऑल्सो कॉल द फादर बाबा ग्रैंडफादर को क्या कहते हैं व्हाट इज ग्रैंडफादर कॉल्ड बाबा उसको भी कहते हैं बाबा ही टू इज कॉल्ड बाबा अर्थ तो समझते नहीं दे इंडीड डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं व्हाई डू वी कॉल दैट वन दैट इज उनको शिव बाबा हम उनको वी कॉल दैट वन इनको नहीं नॉट दिस वन दैट इज इनको शिव बाबा इनको विच वन आने वाला जो पार्ट है द एक्टर हु इज गोइंग टू कम हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं वाई डू वी कॉल दैट वन शिव बाबा समवन सेड समथिंग शिव तो ब्रह्मा में भी प्रवेश है शिव हैज एंटर्ड ब्रह्मा एज वेल उनको क्यों कहते हैं इनको क्यों नहीं कहते वाई डू वी से शिव बाबा टू दैट वन Why don't we say Shiv Baba to this one? इनके लिए तो बता दिया For this one, it was said. ये बूढ़े हैं इसलिए इनको बाबा कहते हैं That since this one is old, he is called Baba. ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा फिर उनको क्यों कहते हैं Then why do we say Shiv Baba to that one? शिव के पुजारी बहुत हैं There are many worshippers of Shiv. परंतु बेसमझ हैं But they are stupid. भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था There was the kingdom of Lakshmi and Narayan in Bharat, that is India. फिर उनका राज्य क्या हुआ Then what happened to their kingdom? 84 जन्म लेते लेते देखो अब कैसे बेसमझ बन पड़े Look how stupid they have become now while taking 84 births. क्या What? इतने बेसमझ बन पड़े हैं दे हैव बिकम सो स्टूपिड इतने बेसमझ हाउ स्टूपिड जो बेगरी पार्ट बजाना पड़ता है सो स्टूपिड दैट दे हैव टू प्ले द पार्ट ऑफ अ बेगर भक्ति मार्ग में पैसे खर्च करते हैं इन द पार्ट ऑफ डिवोशन दैट इज भक्ति मार्ग दे स्पेंड मनी मंदिर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं दे स्पेंड सच अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड टेम्पल्स द्वापर युग शुरू हुआ व्हेन द कॉपर एज बिगन राजा विक्रमादित्य ने कितना पैसा खर्च किया मंदिर बनाने किंग विक्रमादित्य स्पेंड सो मच मनी टू बिल्ड टेम्पल्स वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ मनी वेस्टेज ऑफ मनी अभी तुमको शास्त्र आदि कुछ भी बनाने की दरकार नहीं नाउ देयर इज नो नीड फॉर यू टू मेक स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा मंदिर आदि कुछ भी बनाने की दरकार नहीं है देयर इज नो नीड टू बिल्ड टेम्पल्स एक्सेट्रा बाप अक्षर ही दो बताते हैं द फादर सेज ओनली टू लेटर्स या व्हाट समवन सेड मन मना भाव दैट इज मर्ज इन माई माइंड दो अक्षर बताते ही सेज टू लेटर्स अलफ अलफ द फर्स्ट लेटर इन द उर्दू लैंग्वेज एंड बे द सेकेंड लेटर इन द उर्दू लैंग्वेज अलफ को याद करो रिमेम्बर अलफ तो बे बादशाही तुम्हारी देन द सॉवरिनटी बे विल बिकम योर्स और बे को याद करो एंड व्हाट इफ वी रिमेम्बर बे बादशाही को याद करे तो व्हाट इफ वी रिमेम्बर द सॉवरिनटी बच्चू बादशाह को याद करे व्हाट इफ वी रिमेम्बर बच्चू बादशाह दैट इज द चाइल्ड किंग तो अलफ हमारा नहीं होगा सो विल अलफ नॉट बी आर्स अलफ को याद करेंगे इफ वी रिमेम्बर अलफ तो बे बादशाही मिलेगी वी विल रिसीव द सॉवरिनटी बे ऐसे नहीं बे बच्चू को याद करें इट इज नॉट दैट वी शुड रिमेम्बर द चाइल्ड बे बच्चू बादशाह बनता है सतयुग में उसको याद करेंगे द चाइल्ड बिकम्स द एम्परर इन द गोल्डन एज इफ वी रिमेम्बर हिम तो बादशाही मिल जाएगी वी विल ऑब्टेन द सॉवरिनटी ऐसी बात नहीं इट इज नॉट लाइक दिस ये बड़ी भारी इम्तिहान है दिस इज अ ग्रेट एग्जामिनेशन या व्हाट अलफ कौन है टू नो हु अलफ इज और बे कौन एंड हु बे इज
इसी बात में सारा रोला है. The entire confusion is only in this case. निश्चय अनिश्चय किस बात में आता है? In which case do we develop faith and doubt? ये अलफ और बे में अनिश्चय अनिश्चय आता. Faith and doubt develops in अलफ and बे. ये अलफ का पार्ट कौन है? Whose part is of अलफ? कौन पार्ट धारी है? जो अलफ का पार्ट धारी. Who is the actor who plays the part of अलफ? यज्ञ के आदि में कौन अलफ था? Who was अलफ in the beginning of the यज्ञ? और कौन बे था? And who was बे? ब्रह्मा कुमारियाँ तो पढ़ाती रही पढ़ाई. The Brahma Kumaris indeed kept on teaching. अलफ को मिला अल्लाह. अलफ found अल्लाह. That is God. तो बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी. And the entire sovereignty Bay was given to the partner. तो क्या अर्थ बताती है वो इसका? Then what meaning do they give for this? एक बात बताओ कि एक सेकंड में नरसिंह नारायण बन जाते. A student asked, tell me one thing. He becomes Narayan from a man in one second. हाँ. और ये 70 साल अनिश्चित में निकल गए. किसी को भी निश्चय नहीं हुआ कि नरसिंह नारायण बन जाए. And these 70 years that passed in अनिश्चय, that is uncertainty, didn't anyone develop faith that we can become Narayan from a man? अभी तक किसी को निश्चय नहीं हुआ कोई नरसिंह नारायण बना है या नहीं बना है. Hasn't anyone developed faith regarding whether someone has become Narayan from a man or not? अभी तक किसी को निश्चय नहीं हुआ. Hasn't anyone developed faith at all till now? नरसिंह नारायण कोई बनेगा या नहीं बनेगा इस बात का किसी को निश्चय नहीं हुआ. Didn't anyone develop faith regarding whether someone will become Narayan from a man or not? ऐसा तो नहीं आप अपनी बात कर रहे हो. Is it that you are talking about yourself? इतनी पढ़ाई पढ़ाई गई. So much knowledge was taught. तो उसमें 2-4-8 निकलने तो चाहिए कि नहीं निकलने चाहिए. So at least 2-4-8 such ones who have faith should come out or not? नहीं निकले. Didn't they come out? हैं? कुछ दिखता तो है नहीं. Student, they are not being revealed. Nothing is visible. कुछ दिखता नहीं. Can't you see anything? 2-4-8 में से एक भी नहीं दिखाई पड़ता. Not even a single person is visible from among 2-4-8 souls. Someone said, one is already in front. No, let the one with whom the talk is going on say it. 2-4-8 में से from among 2-4-8 पढ़ाई पढ़ने वाले एक भी नहीं दिखाई पड़ते. Can't you see even a single person who studies? नारायण बन जाएंगे तो दाता के बच्चे दाता होने चाहिए. Student, when he becomes Narayan, the child of the giver, that is Data, should be a giver. हाँ लेता है. So does he take? प्राप्त प्राप्ति होनी चाहिए ना उनसे. तो वो लेता है. Student, we should obtain some attainment from him, shouldn't we? So does he take? तो लेता है तो वो लेता कहाँ है? Student, if he takes, how can he give? मैंने नारायण वाली आत्मा अभी ले रही है. This means that the soul of Narayan is taking at present. है ना? Isn't he? तुम्हारे पास तुम्हारे घर आ रही है, तुम्हारे दरवाजे पर आ रही है, तो पैसे मांगने आ रही हो. He is coming to you, to your house. He is coming at your door. So he must be coming to ask for money. तुम ऐसा समझते हो? You think like this. लेकिन बाबा मुरली में कहते हैं ऐसा कब नहीं समझना है. But Baba says in the Murli, you must never think. कि हम बाप को देते हैं. That we give to the father. अगर ये समझा? If you think like this, तो दिया हुआ सब खलास हो. Then whatever you have given will be of no use. क्या? देने इस बाप को देते नहीं हो. What? You don't give it to the father. तुम बाप से लेने के लिए देते हो. You give it to the father to take it from him. बैंक में जमा करते हो बाप की. You deposit it in the father's bank. ये हमारा 21 जन्म के लिए खाता जमा हो जाए. So that this money of yours is saved for 21 births. ये दासिन पुराने ये लेने देने की स्तुतिन की बात नहीं कर रहा. Student, I am not talking about giving and taking wealth in a physical sense. नहीं. No. तू लो, सूक्ष्म हो, कुछ भी हो. Whether it is physical or subtle, whatever it is. मेरा जो भाव है वो गुणों की है. The student, my intention is about virtues. हाँ क्या? गुणों का है. What? The student said, it is about the virtues. क्या गुणों का? About which virtues? जब उनको निश्चय है. The student, when they have faith. किनको? जिन बहनों को, जिन माताओं को या जिन आत्माओं को निश्चय है. Who? The student, the sisters, the mothers, or the souls who have faith. What? The student, then why do they have hatred in them? In whom is there a fault? The student, the souls who have developed faith. Yes. Student, for the supreme soul,
यस फिर वहाँ शंकर और जहाँ शंकर देवता और ब्रह्मा देवता दोनों को नमन है स्टूडेंट देन द प्लेस वेर देर इज सल्यूटेशन टू बोथ द डीटी शंकर एंड द डीटी ब्रह्मा शंकर महादेव देवों का देव है स्टूडेंट शंकर महादेव द ग्रेट डीटी इज द डीटी ऑफ ऑल द डीटीज यस फिर वहाँ ये क्यों बॉर्डर लाइन क्यों है वो क्यों नहीं सहयोगी एक दूसरे स्टूडेंट देन वाई इज अ बॉर्डर लाइन ओवर देयर Why aren't they helpers of each other? आप किसको देखते हैं? Whom do you see? ये basic वालों का। A mother said, Baba, he is talking about the ones in the basic knowledge. हाँ जो advance वालों की बात करो ना। So talk about the people of the advance party, won't you? Advance में भी तो वही है। It is the same in the advance knowledge too. जो basic में है। Those who are in the basic knowledge. Basic में तो जड़े हैं। As far as the basic knowledge is concerned. There are the roots there. और एडवांस में बीज हैं. And there are the seeds in the advanced knowledge. तो बीज में जो कमी नहीं होगी. So if the seed has no defect. तो बेसिक है जड़ों में कहाँ से कमी आ जाएगी. Then how will that defect come in the basic roots? सारी कमी कहाँ मौजूद है. Where is all the defect present? सारी कमी तो यहाँ मौजूद है. All the defect is certainly present over here. Advanced party. In the advanced party. Om Shanti. ये बड़ी भारी इम्तिहान है सो दिस इज द ग्रेट एग्जामिनेशन क्या वॉट अलफ कौन हु इज अलफ